हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो पे बीएससी सेकंड ईयर मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका पार्ट सेकंड लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एक फंक्शन है, जिसमें आपका एक होमोजेनियस फंक्शन कह रहा हूँ जिसकी डिग्री आपकी एन है। ठीक है, तो अगर ये आपका होमोजेनियस फंक्शन है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल्स टू लेमडा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्स की जगह हमने पुट करा यहाँ पर लेमडा एक्स और वाई की जगह हमने पुट करा यहाँ पर लेमडा वाई। किसके इक्वल है, लेमडा की पावर एन एफ एक्स कॉमा वाई। एन क्या है आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स कॉमा वाई, किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। अब इसको मैं कह रहा हूँ आपका होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री टू। कैसे कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पर x की जगह और y की जगह पुट करें f लेमडा x और लेमडा y, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये बनेगा आपका लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये बनेगा आपका थ्री लेमडा x इंटू लेमडा y। ठीक है, यहाँ से लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका लेमडा स्क्वायर और ये क्या आपका फंक्शन है, कौन सा वाला, जो ये था आपका मतलब एफ एक्स कॉमा वाई, किसके इक्वल है एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई के। तो डिग्री क्या रही है आपकी एन जो था वो है टू, मतलब ये आपके सेकंड डिग्री इक्वेशन का आपकी ये फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर देखना है कि आपके यहाँ पर होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये तो थे आपके होमोजेनियस फंक्शंस, जिसे हम इस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम कोई बात करें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो हम कैसे उसे दिखाते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये होती है हमारी यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ आपका एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई दोनों आपके यहाँ पर होमोजीनियस फंक्शन होने चाहिए सेम डिग्री के। सेम डिग्री कहने का मतलब, अगर ये आपकी टू डिग्री का है एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये भी आपका यहाँ पर टू डिग्री का होना चाहिए। अगर ये वन डिग्री का है तो ये भी आपका वन डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर होते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई भी हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हमें देखना है। तो क्या हमारा मेथड यहाँ पर रहता है, हम यहाँ पर पुट करते वाई इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, वाई इक्वल्स टू वी एक्स हम पुट करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आ गई। अब क्या आपके पास यहाँ पर, इसे हम वापस यहाँ पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अभी किसका फंक्शन हो गया, v का। ठीक है, v की जो हम रखेंगे आपका y अपॉन एक्स, तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा v का। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ v माइनस वी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा dv अपॉन एफ ऑफ v माइनस वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। ये चीज़ बन गई, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे ऐसा आएगा और इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करने का आपका जो भी आएगा उसके बाद हमें यहाँ पर v के जगह वापस पुट करना है y अपॉन x। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो भी आएगा यहाँ पर, ये आपको उसके बाद हमें पुट करना है v इक्वल्स टू y अपॉन x, तब आपको यहाँ पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, तो वो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो ऐसे हमें यहाँ पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय पुटिंग y इक्वल्स टू v इंटू x। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पुट करेंगे तभी आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनेगा। तो ये था आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।